4,716 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में हैरत लगता है 4,716 करोड़ रुपए। आइए आपको न्यूज़ के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 साल से चल रही जीएसटी फेक बिल देता था और जीएसटी इनपुट नहीं भरता था। इस वजह से जीएसटी ऑफिसर को जबकि इस चीज़ को लेकर नोटिस किया गया, तब जाकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। बंगाल कमर्शियल टैक्स व डायरेक्टरेट ने 4,716 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक नायका हिरासत में, जबकि अन्य 3 को चल रही जाँच में सहयोग करने के निर्देश के साथ जमानत दे दी गई। आरोपी व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह ने उसमें बताए गए आधार पर जमानत के लिए याचिका दायर किया और तर्क कर दिया। एक अन्य आरोपी को राज्य सौ को 28/11/2023 को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई और वह इस आधार पर कि किसी भी नियम व शर्तों पर जमानत के लिए प्रार्थना करता है, इस मामले में कोई संबंध नहीं है। एलडी पश्चिम बंगाल की जीएसटी के लिए पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री असीम कुमार और मिस फारिया हुसैन ने जांच अधिकारी मधुमती कुंडू के साथ उपस्थित हुए और उप न्याय के राज्य के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दक्षिण बंगाल में जमानत प्रार्थना पर पुरजोर विरोध किया और संलग्न के साथ लिखित आपत्ति दर्ज करके कहा कि आरोपी नामित आरोपी सीधे तौर पर इस मामले में शामिल है। कोलकाता पश्चिम बंगाल कमर्शियल टैक्स डायरेक्टरेट राज्य जीएसटी ने 4,716 करोड़ रुपए का कारोबार वाले बड़े पैमाने पर फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का खुलासा किया और 4 प्रमुख ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि 1941 के बाद ये सबसे बड़ा इतिहास में हुआ कि पहली बार गिरफ्तारी सीधे इसके जांच ब्यूरो के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद ली जाती थी। 2 रैकेट में शामिल टैक्सेस चोरी, उन्होंने कहा कि 2 अभियुक्त सोमाश्री और मधुमिता कुंडू जांच अधिकारियों ने, जिन्होंने जांच ब्यूरो दक्षिण बंगाल के लगभग 25 अधिकारियों की एक टीम की मदद ये इन रैकेटों का खुलासा किया। उन्होंने पूरे रास्ते का पता लगाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुख्यपाध्याय ने कहा कि जांच अभी भी जारी है। संचालक संदिग्ध व्यक्तियों के मामूली नकदी या रोजगार के वादे का लालच देते और धोखाधड़ी से उनका पैन और आधार अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त कर लेते। उनका उपयोग करके उन्होंने कई फर्जी फर्म बनाए जिसमें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया। मुख्योपाध्याय ने कहा कि अपनी फर्जी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेटर ने किराया समझौता, बिजली बिल, संपत्ति व प्रमाण पत्र और यहां तक कि परिसर की मालिकों का और नोटरी की हस्ताक्षर भी जाली बनाए। रैकेट को बैंकिंग चैनल और नगद लेन देन दोनों माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा बढ़ावा दिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक नायका हिरासत में, जबकि अन्य 3 को चल रही जाँच में सहयोग करने के निर्देश के साथ जमानत दी गई।